हेलो uh, दोस्तों आज हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि यूएस हेल्थ केयर सिस्टम न्यूयॉर्क में किस तरह क्या है हेल्थ केयर सिस्टम है पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी होंगी कि अमेरिका में हेल्थ केयर जो है कम्प्लीटली प्राइवेटाइज है हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि यहाँ पे uh, प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट द्वारा सबको कहीं ना कहीं हेल्थ हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें मेडिसिन से ले हर चीज़ फ्री दी जाती है गवर्नमेंट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं विलेज लेवल पे डिस्पेंसरीज हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं अब धीरे धीरे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं तो चलिए यू हेल्थ केयर सिस्टम डाइव इन न्यूयॉर्क देखिए द एम ऑफ दिस नोट बुक इज़ टू स्टडी समूमेरिकल डेटा वी हैव फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेसिफिकली द डेटा फॉर न्यूयॉर्क मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट न्यू ऑर्क सिचुएशन विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड अंटिल नाउ एंड एनालाइजिंग द डेटा मे क्लेरिफाई अ फ्यू थिंग्स वी विल मेनली यूज थ्री डेटा सेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे पहला है अर्जेंट केयर फैसिलिटीज़ यू एस काउंटी हेल्थ केयर रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड कोविड सोर्सेज फॉर काउंटीज ये सारे डेटा आपको कैगल से मिल जाएंगे और मैं आप ये सारे डेटा सीट और कोड्स जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप कोर्ड सीट और तो डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो गिटअप की रिपोजिटरी है डेस्कलॉप सॉल्यूशंस अब देखिए मैं पहला काम कर रहा हूँ कि मैं इस डेटा को मैं पहले रीड कर रहा हूँ तो इम्पोर्ट नंपा एज एन पी इम्पोर्ट पांडाज एस पी डॉट रीन एंड को सी और मैंने ये तीनों डेटा को रीड किया है पहले को नाम दिया कोविड को स्टैट्स हेल्थ अंडरस्कोर रैंकिंग एंड आई सी यू फैसिलिटीज़ अब देखिए इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो इनको एक बार में देख पाना पॉसिबल नहीं है अब डॉट हिट करूं तो नहीं देख पाऊंगा तो मैंने क्या, क्या, क्या कि pandas .set किया कि पांडास डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन में डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम हंड्रेड किया स्टिल ये इतना इंटीट्यू नहीं था तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो फिलहाल मैं कॉलम के नेम देख रहा हूँ कि वे जो की कॉलम्स हैं उन्हीं को सिर्फ पिक कर लिया जाए अच्छा देखिए ऑब्जेक्ट नेम डेटा इंपोर्ट करके मैंने दिया कोविड अंडरस को स्टैटस डॉट कीज हेल्थ अंडर्स को रैंकिंग डॉट कीज एंड आई सी यू अंडर्स फैसिलिटीज डॉट की तो इससे क्या है कि ये ऑब्जेक्ट नेम है उस पर मैंने एक फंक्शन लगा डॉट कीज़ तो मुझे कॉलम के नेम्स मिल जाएंगे ये देखिए कोविड इज स्टेट कॉलम्स इसमें ये सारे कॉलम हैं डेट स्टेट का नाम है पॉजिटिव निगेटिव पेंडिंग हॉस्पिटलाइज्ड डेथ टोटल हैश डेट चेक टोटल टेस्ट रिजल्ट एंड एक्सेट्रा हेल्थ रैंकिंग कॉलम्स में है फिप्स स्टेट काउंटी नंबर ऑफ डेथ ईयर ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट रेट एटसेट्रा सिमिलरली आईसीयू फैसिलिटीज़ कॉलम में है ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट आईडी आईडी नेम टेलीफोन एड्रेस एड्रेस टू सिटी स्टेट सो ऑन चलिए सो द सेल बिलो टू सी ऑल द कीज ऑफ द हेल्थ रैंकिंग तो हम लोग हेल्थ रैंकिंग के सारे कीज़ देख रहे हैं देखिए हेल्थ अंडर्स रैंकिंग डॉट कीज क्योंकि ऑब्जेक्टिव वही था कि अभी भी हम उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं तो क्यों ना इसको प्रिंट करा लें तो फॉर लूप में लिया इसको प्रिंट करा लिया है तो ये देखिए सारे कॉलम्स के नेम आ गए परसेंटेज एल वी डब्ल्यू ब्लैक नाइन्टी फाइव परसेंट हाई हिस्पैनिक और ये सारे हेल्थ रैंकिंग्स दी हुई हैं आइए नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन जस्ट ए फ्यू वेरिएबल्स फ्रॉम हेल्थ रैंकिंग सो आई विल जस्ट गेट द वंस आई नीड और द वंस आई थिंक वुड बी यूजफुल एट सम पॉइंट इन ए न्यू डेटा फ्रेम तो मैंने कुछ जरूरी थी वो ले लिए कॉलम्स नाम की एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में कामा कामा करके कोर्स में सारे नाम लिख लिए अब मैं अगर डेटा सेट के अंदर स्लाइस ऑपरेटर बना के इन कॉलम्स का नाम पास करूँ तो मुझे सिर्फ यही कॉलम के डेटा आएंगे अब इसको रखा और एक नया नाम दे दिया हेल्थ रैंकिंग अंडर इसको सेलेक्टेड इसको रन कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पे कुछ देखिए क्या है कि मैंने क्या किया कोविड अंडर स्कोर्ट्स स्टार्ट जो बेसिक मेन वाला डाटा था उस पर मैंने फिल एनने जीरो जहाँ भी एनने से वहाँ जीरो फिल करते हैं हालांकि ये थोड़ी सी एरर करेगा लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आपका प्रोगेटिव है आपकी इच्छा है आप जैसा चाहे वैसे बिजिंग वैल्यू एनालिसिस कीजिएगा तो ठीक है ये थी डेटा था हमारा डेट स्टेट पॉजिटिव निगेटिव पेंडिंग हॉस्पिटलाइज डेथ टोटल टोटल थे पेंडिंग डेथ हॉस्पिटलाइज और निगेटिव ये सारी चीज़ें थी चलिए नाउ लेट्स एक्सप्लोर ईच डेटा सेट वन बाई वन सो दैट वी विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा बिफोर ट्राइंग टू पुट ऑल ऑफ देम कम्बाइंड चलिए द वायरस एंड द हेल्थ सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तो हम लोग क्या कर रहे हैं प्लॉटली लाइब्रेरी है जिसे बहुत ही इंटरेक्टिव ग्राफ्स बनते हैं जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं तो मैंने इंपोर्ट किया है लाइब्रेरी प्लॉटली डॉट ग्राफ अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट एज गो कोविड उनको स्टार्ट वाला डेटा लिया कोविड इनको स्टार्ट में स्लाइस ऑपरेटर डेट इज ऑक्ल टू टू थाउजेंड ट्वेंटी डैश थ्री डॉट कॉपी तो जो डेट यहाँ तक की है वो मुझे मिल गई कोविड स्टेट स्टार्ट लास्ट लास्ट जो डेट है प्लॉटली को यूज करने का तरीका एक ऑब्जेक्ट नेम बनाया फेक इसमें गो डॉट फिगर डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया इसमें गो डॉट कोरियोप्लेथ कोरियोप्लेथ फंक्शन है जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं कि मैप के किसी कंट्री की मैप के ऊपर हम लोग हीट मैप बना सकें और हावर करें तो हम अलग अलग कंट्री की वैल्यूज़ भी देख सकें तो देखिए लोकेशंस क्या है कोविड अंडर्स को स्टैट अंडर्स को लास्ट ये हम लोगों ने वैल्यू डाल दी इसमें से स्लाइस ऑपरेटर स्टेट निकाला ठीक है तो स्टेट वाइज सभी स्टेट्स के इनिशियल्स भी दिए हुए हैं और नाम भी तो हम लोग डाल देंगे कोविड स्टैट अंडर्स को लास्ट पॉजिटिड और एस टैप डेटा टू बी कलर कलर कोडेड इसको हम लोगों ने नाम दिया जेड अब देखिए लोकेशन मोड है आप कौन सा मैप यूज करना चाहते हैं तो इसमें असाइन कर दे सकते हैं तो यह हम लोगों ने दे दिया यू सी एस ए स्टेट्स और कलर स्किल रेड्स आप कोई भी दे सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से अलग अलग तरह के कलर कलर अंडर्स को टाइटल हैज पॉजिटिव ठीक है ये दो पार्ट में काम करता फिक डॉट अपडेट अंडर्स को ले टाइटल अंडर्स को टेक्स्ट एक नाम दे दिया नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट पर यूएस स्टेट जियोग्राफिकल अंडर्स को स्कोप लिमिट मैप स्कोप यूएसए और फिट कर देते हैं देखिए ये हम लोगों ने रन किया तो ये देखिए मैप आ गया हमारा टोटल पॉजिटिव कैसे हैं देखिए ये देखिए न्यूयॉर्क सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर नाइन सेवन थाउजेंड के न्यूयॉर्क में अब देखिए थोड़ी सी पिंकिस जो है उन उनके हम लोग चल के देखते हैं कि यहाँ देखिए फाइव हंड्रेड फोर्टी सेवन टेक्सास है टू एट सेवन सेवन कैलिफोर्निया सिक्स फोर फोर सेवन एंड फोर एट नाइन सेवन ठीक है अभी ये करंट तक का डेटा नहीं है ये पहले की एनालिसिस की हुई है आई टू तो से कि अप्रैल में जैसे जैसे डेटा आएगा तो ये और हम बेहतर कर पाएंगे इसको ये लीजेंड इसने बना के दे दिया हमें साथ में और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं देख लेते हैं इसको नीचे ले आते हैं ठीक है ठीके? अब चलिए it is clear from the above that, as we all know, that the news, new york is the new epicenter of pandemic. all the other states have way less infected people. but the numbers are just small by comparison with new york. those numbers are used for a disease like this one. in comparison, let's check the distribution of icu units across the u.s. Okay? तो आईसीयू यूनिट्स अगर जैसे जैसे लोग बीमार पड़ेंगे तो हम उन्हें कैसे कैसे बेड अवेलेबल करा पाएंगे ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है द एब्सोल्यूट नंबर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ यूनिट इज नॉट वेरी हेल्पफुल एज देयर आर स्टेट्स विद मोर आर लेस पीपल देन अदर्स एंड सो वी एक्सपेक्ट देयर टू बी मोर आर लेस आई सी यू रेस्पेक्टिवली देर फॉर वी शुड इन्वेस्टिगेट द रेशियो ऑफ यूनिट्स पर अ गिवन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन दिस केस आई विल यूज वन लैख द पॉपुलेशन पर स्टेटा डेटा इज टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेवनटीन यू एस सेंसस तो वो डेटा भी हमें थोड़ा सा चाहिए तो so, ये डेटा आपको उसमें मिल जाएगा रिपोजिट्री में गिटअप की पी डी डॉट रीड एंड गो सी एस वी यू एस सेंसस डेमोग्राफिक डेटा इसे टू थाउजेंड सेवेंटीन काउंटिंग डेटा डॉट सी एस वी ठीक है अप्रीविएशन एंड फुल स्टेट नेम्स ये एस टी टीपी रॉ डॉट गिट गेटअप यूजर कंटेंट डॉट कॉम ये आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो आपको वहां से सारे नाम मिल जाएंगे स्टेट्स के मर्जिंग द एब्रीवेशन विद इन द सेंसस डेटा तो यू एस अंडर्स को सेंसस यूएस अंडर्स को सेंसस डॉट मर्ज और स्टेट अंडर्स को बस मर्ज किया ये एसक्यूएल बेस्ड ज्वाइनिंग है मर्ज की किसकी बेसिस पे ऑन एजॉर टू स्टूट स्टेट ठीक है प्राइमरी की स्टेट है और अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो ये इनर ज्वाइन करता है यू एस अंडर्स को सेंसस नाम दिया यू एस ने रीनेम किया कॉलम्स इज तो, टू स्टेट कॉलन फुल स्टेट की वैल्यू एवरीवेशन स्टेट जहां एव्रीवेशन वहां पूरे स्टेट्स का नाम स्टेट कोलन स्टेट ये सारा दे दिया अब पॉपुलेशन पर स्टेट क्योंकि हमारे पास रो वाइज है हर एक कंट्री का बार बार डेटा रिपीट हो रहा है तो यूएस सेंसस डॉट ग्रुप बाई किया किसके द्वारा करना स्टेट तो जितने डिस्टिंक्ट स्टेट हैं वो आ जाएंगे इस पर फर्दर स्लाइसिंग किया टोटल पॉप तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी हर स्टेट डॉट सम कर दिया टोटल सम हो गया तो टोटल पॉपुलेशन हर स्टेट की मुझे मिल जाएगी डॉट रिसेट अंडरस्कोर इंडेक्स इंडेक्स को हम लोग रिसेट कर देंगे तो नॉर्मल एक पांडास का डेटा फ्रेम जैसा टेबल बन जाएगा इसको नाम दिया पॉप स्टेट अब देखिए आई पर स्टेट डॉट मर्ज किया पॉप स्टेट ऑन स्टेट तो हम हम आई पर स्टेट वाले डेटा में हमने इसको मर्ज कर दिया और इसको नाम दिया आई पॉप डी एफ पॉप डी में हम लोगों ने एक कॉलम बनाया आई सी यू पॉप रेशियो इसमें आई पॉपुलेशन डीएफ आई डी निकाला डिवाइडेड बाय आईसीयू डीएफ टोटल इन टू वन लैख ठीक है परसेंटेज हम लोगों ने वन लैख पे लिया है ठीक है चलिए फिग जकल टू तो गो डॉट फिगर डेटा डॉट ओपन हम लोग आईसीयू पर पॉपुलेशन हर स्टेट का हर स्टेट का आईसीयू बिड्स कितने हैं पर पॉपुलेशन उसका रेशियो आ गया अब इसको हम लोग मैप पे प्लॉट कर लेंगे बिल्कुल पहले की तरह और देखते हैं क्या होता है फिर प्लॉटली का यूज कर रहे हैं गो डॉट फिगर डेटा गो डॉट कोरियोप्लेथ कोरप्लेथ लोकेशन स्टेट जेड जेड एक्सिस पे हम लोग दिया आई सी यू पीओ इंड एज यू रेशियो एज डॉट प्लॉट यू सी एस स्टेट कलर स्केल ब्लूज एंड कलर टाइटल ऑफ एस यू पर थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड पीपल पर हंड्रेड थाउजेंड पीपल ये इसीलिए हम लोगों ने वन लाख ,00 से मल्टीप्लाई था कि हंड्रेड थाउजेंड पीपल पर देख सके ठीक है देखिए इसको रन करते हैं तो ये देखिए आ गया सबसे ज़्यादा आई सी बेड्स यहाँ पर हैं न्यूयॉर्क यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ आई सी यू बेड्स ज़्यादा हो सकते हैं बट पर पॉपुलेशन देखा जाए तो ये कम है सिमिलरली ये देखिए कैलिफोर्निया एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है यहाँ भी वन पॉइंट थ्री सेवन है ये देखिए नेवाडा यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होंगी सिमिलरली ये देखिए यहाँ पर भी है कोई स्टेट है आई डी इसका थ्री पॉइंट थ्री वन सिमिलरली यू टी टू पॉइंट नाइन जीरो तो ये देखिए इंटरनल स्टेट्स से यहाँ पॉपुलेशन कम होती है बेसिकली और मेडिकल फैसिलिटीज़ उसी हिसाब से क्रिएट की गई है तो यहाँ पर ज़्यादा है सिमिलरली एन डी ये देखिए ये मिशिगन और हमारा न्यूयॉर्क और ये पी ए ये है एम ई .E. ठीक है चौबीस स्टेट्स के नाम आप इसको मैच करा लीजिएगा तो ये स्टेट्स देख लीजिए इस तरीके से है थाउजेंड यानी कि अगर पैंडमिक न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है तो देखिए यहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है कि पर पर्सन बेड्स का इंतज़ाम किया जाए या फिर दूसरा तरीका ये कि पेशेंट्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना लेकिन यही सबसे बड़ा इश्यू है पेशेंट्स को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि आ, ये पैंडमिक है ही ये स्प्रेड स्प्रेड करता है ठीक है चलिए From the above matrix, it is clear that the discrepancy between the number of ICU discrepancy number of ICU units between states and that in the state that it is most needed New York. The number of ICUs per 100,000 people is very small, like 0.71. Only Pennsylvania. Has a smaller density, like zero point four seven. Therefore, the situation in New York is critical, and not only because the virus has spread more there, but also because there are very few ICU units for those who need it, which eventually will lead to more deaths. That's why it is necessary to build hospitals just to treat COVID nineteen patients. Okay. Now see COVID in New York. We know from the news, even if you are not from the United States, such as myself.

टाइटल डेली नाम दे दिया एक टाइटल दे दिया ठीक है फिक डॉट शो उसको रन कर देखिए हमारा लाइन है पॉजिटिव केसेस है और ये डेट तो देखिए अराउंड द दे मे 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 फोर्टीन फिफ्टीन आई थिंक इज इज़ इट इज फिफ्टीन सिक्सटीन यस सिक्सटीन मे सिक्सटीन के बाद एकाएक ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं कि शायद टेस्ट स्टार्ट हो गए उसके ऊपर ट्रीटमेंट या ट्रंप ने जिस तरीके का भी नया एक डिसीज़न लिया कि नहीं हमें तेज़ी से करना है रोकने के बारे में ध्यान देना मे बी मार्च सॉरी मार्च मैं इसको मैं बोल रहा था मार्च सिक्सटीन के बाद बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े यानी इसके पहले डॉर्मेंट होने की रीज़न ये हो सकते हैं कि इन्फेक्टेड थे लेकिन दिख नहीं रहे थे यानी फॉल्स निगेटिव जा रहे थे लेकिन टाइम के साथ साथ ही दिखने लग गए यानी या तो टेस्टेड हो गए टेस्ट होने लगे या इसके बारे में ज़्यादातर तेजी से इन्फॉर्मेशन में रही और गवर्नमेंट और सभी लोगों ने इस पर नज़र डालना शुरू कर दिया चलिए द नंबर ऑफ डेली इंक्रीज इज नॉट येट इन इट्स पीक देर इज ए स्मॉल डिक्रीज बाई द एंड ऑफ मार्च बट वी नीड मोर डेटा इन ऑर्डर टू कन्फर्म दैट द स्प्रेड हैज़ स्टार्टेड टू स्लो डाउन विद अवेलेबल डेटा दिस डाउनवर्ड मूवमेंट कुड बी जस्ट लाइक इन मार्च ट्वेंटी फोर इन द ग्राफ जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए ठीक है दिस इज हाउ वर द स्पीड ऑफ द वायरस इवन इफ इट इज स्लो डाउन द नंबर ऑफ केसेज आर स्टिल इंक्रीजिंग सो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव पर डेट तो देखिए हम लोगों ने स्टेट लिया न्यूयॉर्क एक्स एक्सेस पर डेट वाई पे पॉजिटिव और टाइटल को नाम एक दे दिया रन करते हैं तो ये देखिए सिंपल सिंपल पॉजिटिव ग्रोथ रेट ये दिख रही है इट इज गोइंग ए पॉजिटिव ग्रोथ रेट सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सप thinking like, as I expected from the previous plot, the positive line is still increasing and has not seen the peak by the day of the last data point. as many of us already know, the issue is not the disease by itself, as most of the people who is contaminated with the virus doesn't present harsh health problems. the greatest issue is the number of hospitals and, more precisely, icus. the state has available to treat those that do indeed need a more intense treatment. The less of such units we have available, the more people who end up really sick don't get the required treatment, and the number of deaths increase. So, in a certain aspect, it is also about having hospitals and equipment to treat them all. We already have information about the ICU units, but we still didn't see how many people are actually in the hospital. So, we will commit to the investigation, like see. Uh, हम लोगों ने ऐसा किया कि यहां पे देखिए State कोविड स्टेट्स स्टेट जो न्यू यॉर्क डॉट कॉपी बना के रख लिया कोविड न्यूयॉर्क गो डॉट फिगर इसमें देखिए एक्स एक्सएस पे डेट रखा वाई से कोविड हॉस्पिटलाइज्ड और मोड है सिर्फ लाइन प्लॉट नेम हॉस्पिटलाइज फिर डॉट एट एंड ट्रेस गो डॉट स्कैटर एक्स एक्सो टू कोविड एंडर्स को डेट वाई जेको टू कोविड डेथ सो हॉस्पिटलाइज वर्सेज डेथ नाउ वी विल रन इट तो ये देखिए दिस इज द डेथ दिस इज द हॉस्पिट सो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब डेथ्स आना शुरू हुई तो बहुत तेजी से लोगों ने हॉस्पिटल्स में एडमिट होना शुरू किया कि नहीं ये पैंडेमिक है और ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड दिस वे इट कॉन मोर एंड मोर हॉस्पिटलाइज्ड एंड बाई ब प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव केयर द डेथ इज स्टिल इन द सेम इंक्रीज इट इज़ नॉट मच इंक्रीज बिकॉज मोर एंड मोर पीपुल आर गेटिंग क्योर्ड बाई प्रॉपर ट्रीटमेंट सो अल्टीमेटली यही है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए और दैट्स ऑल है यही हमारी एक एनालिसिस सिंपल सी सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे